अब अगली खबर आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में नवरात्र के मौके पर भव्य आयोजन किया जाएगा। योगी सरकार की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है कि यूपी में जितने भी शक्ति पीठ है वहां पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम होंगे। दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाया जाएगा, इसके अलावा साज सजावट का ख्याल रखा जाएगा, शुद्धता का ख्याल रखा जाएगा, सभी मंदिर जो है वो जगमग होंगे। इस तरह के निर्देश सभी जिलों के डीएम को दिए गए हैं। आपको बता दें रामायण का आयोजन होगा, मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रम करवाए जाएंगे, दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा और ये यूपी के सभी शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में भव्य आयोजन के लिए भी कहा गया है। तो ये सीधे तौर पर नवरात्र के मौके पर उत्तर प्रदेश में भव्य आयोजन होगा, इसको लेकर निर्देश जारी किया गया है। नवरात्र में सीएम योगी का ऑर्डर, पूरे जितने मंदिर हैं, जितने शक्तिपीठ हैं, सभी जगह पर एक अलग ही खुशनुमा और धार्मिक माहौल देखने को मिलेगा। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कई सारे शक्तिपीठ हैं जहां पर दूर दराज से लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए, और इसी बीच उन मंदिरों में दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरे नवरात्र के दरमियान चलता रहेगा। और चलिए अब बात उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं, जहां पर अपराधियों का एक ही हश्र होता है। ये योगी आदित्यनाथ पहले भी क्लियर कर चुके हैं और अब गाजीपुर में जिस तरह से एक्शन हुआ, एनकाउंटर हुआ है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी को फिर से मिर्ची लगती दिखाई दे रही है, फिर से प्रश्न खड़े कर रही है समाजवादी पार्टी। पूरा मामला क्या है रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। अपराधियों कान खोलकर सुन लो, अपराध करने के बाद अगर लगता है कि बच जाओगे तो ये योगी राज वाले उत्तर प्रदेश में तो नामुमकिन है। अपराध करोगे तो अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा और यही हुआ गाजीपुर के गुनहगार के साथ, जिसे योगी की पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। इस एनकाउंटर की गूंज यूपी की सरहदों को पार कर गई क्योंकि इसके तार बिहार तक जुड़ रहे हैं। लेकिन इस मुठभेड़ की वजह जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि 19 और 20 अगस्त की रात को बाड़मेर गुवाहाटी एक्सप्रेस से जाहिर शराब की तस्करी में शामिल था। जब आरपीएफ के कांस्टेबल जावेद खान और प्रमोद कुमार ने उसे शराब की तस्करी करने से रोका तो उसने दोनों आरपीएफ जवानों के साथ मारपीट की, फिर अपने साथियों के साथ मिलकर दोनों आरपीएफ जवानों को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया था, जिससे दोनों जवानों की मौत हो गई थी। इसके बाद से ही पुलिस को आरोपी जाहिद और उसके साथी की तलाश थी। पुलिस ने टिप के आधार पर जाहिद और उसके साथियों को धर लिया। पुलिस ने मौका दिया सरेंडर करने का, लेकिन जाहिद ने होशियारी दिखाते हुए पुलिस टीम पर गोली चला दी, जिसके बाद यूपी पुलिस और एसटीएफ ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें 1,00,000 का इनामी जाहिद ढेर हो गया। घेराबंदी की तो घेराबंदी के दौरान उसके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसमें दो जवान पुलिस के घायल हुए और जवाबी फायरिंग में इसके ये भी गंभीर रूप से घायल हुआ। चिकित्सकों ने इसको मृत्यु इसकी डिक्लेयर की है, तो अन्य वैधानिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। ये तो जाहिद था जो लूट मारपीट तस्करी के कई मामलों में आरोपी था, लेकिन ऐसा ही हश्र सुल्तानपुर डकैती के आरोपियों का हो चुका है और बाकी फरार आरोपी जान बचाकर भाग रहे हैं, जिसमें फुरकान और अरबाज है। रिपब्लिक ने फुरकान के गाँव जाकर तफ्तीश की। फुरकान का ये घर है, घर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फुरकान के परिजन हमारे संग मौजूद हैं। फुरकान से कब आखिरी बार बात हुई आपको? 28 तारीख को, 28 अगस्त को सूरत में तारीख थी, वहाँ पे गए थे। उन्हें फर्जी फंसाया जा रहा है, मुझे पता नहीं है फुरकान कहाँ पे है और मुझे डर सता रहा है कि कहीं उनको अनुज की तरह उनका भी इनकाउंटर कर दे। यही हाल अरबाज के गाँव में भी है, जहाँ घर सूना पड़ा है। अरबाज के घर हम पहुंचे हैं, परिवार के लोग ज्यादातर नदारद हैं, केवल उनके जो बताए जा रहे हैं वालिद हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कहाँ है अरबाज, कुछ बातचीत हुई आपकी? अरबाज से हमसे कोई बातचीत नहीं हो पा रही, 1 साल हो गया। एक बार आई आपके पास पूछताछ करने के लिए? एक दो बार आई थी तो बताया था कि लूटपाट हुई है सुल्तानपुर में और उनका कहने मतलब उसमें अरबाज भी है। अपराधियों में ये सन्नाटा इसलिए है क्योंकि उनके कानों में योगी के पुलिस की गोली गूंज रही है और ये होनी चाहिए कि योगी के यूपी में अपराध करोगे तो दर दर भटकोगे या तो ढेर हो जाओगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। Yet the Congress's campaign in Jammu is yet to begin and there are only 5 days of campaigning. So I hope that after Rahul is done campaigning on this one seat in the valley, the Congress focuses all its attention in the plains of Jammu.
अब्दुल्ला का बयान सुना और इसको लेकर अब बीजेपी भी सवाल पूछ रही है। शहजाद पूनावाला ये कह रहे हैं कि ये जो गठबंधन है कांग्रेस और एनसी का, ये गठबंधन नहीं, ये कंफ्यूजन है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं शहजाद पूनावाला। गठबंधन में निकाह से पहले ही तीन तलाक शुरू हो चुका है और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये दोनों पार्टी पीपीपी के प्रिंसिपल पर चलती है, पाकिस्तान परस्ती, पत्थरबाजी और परिवारवाद। और 370-35 से हटने के बाद आज जम्मू कश्मीर के अवाम के पास स्पेशल स्टेटस है। इन तीन परिवारों का स्पेशल स्टेटस खत्म हो चुका है और इसीलिए किसी को दो सीट से लड़ना पड़ रहा है, कोई जम्मू में अपनी जमीन तलाश रहा है और इनके पैरों तले जमीन नहीं बची है और इसीलिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। रुक करते सहयोगी मीनाक्षी का जुड़ रहे ग्राउंड जीरो से। मीनाक्षी, सेकंड फेज की वोटिंग लगातार सुबह से चल रही है, लेकिन इस बीच जो कांग्रेस और एनसी के बीच विवाद है, जो अंतर्कलह है, वो भी खुल के सामने आ रही है। हालांकि इस बीच जो वोटिंग जो सेंटर्स है वहां पे माहौल क्या दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं उमर अब्दुल्ला ने जो बयान दिया है। उमर अब्दुल्ला थोड़ी देर पहले ही आए थे यहाँ पर वोट कास्ट करके, वो अपना गए हैं, लेकिन इस दौरान उनसे एक सवाल पूछा गया था जिसमें पहले तो मेरी आवाज़ सही करिएगा प्लीज़, और उनसे एक सवाल पूछा गया था। सवाल उनसे ये पूछा गया था कि आपने जो पहले एक स्टेटमेंट दिया था कांग्रेस को लेकर कि कांग्रेस ने श्रीनगर में या कश्मीर में क्या कुछ किया है वो मायने नहीं रखता है, लेकिन जम्मू में क्या कर रही है वो मायने रखता है, जिसके जवाब में उमर अब्दुल्ला की तरफ से ये बयान दिया गया। उनकी तरफ से कहा गया कि देखिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो है जो बंटवारा किया था वो सबसे ज़्यादा हमने जम्मू में उन्हें दी थी। अब क्योंकि तीसरे चरण के चुनाव के प्रचार के लिए मात्र 5 दिन शेष रह गए हैं, तो ऐसे में हमें उम्मीद ये थी कि कांग्रेस खुल करके वहाँ पर अपना प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएगी, लेकिन उनकी तरफ से प्रचार प्रसार वहां पर नहीं किया गया है। क्योंकि आज 26 सीटों पर जिन पर चुनाव चल रहे हैं उसमें से 20 सीटों पर जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस खड़ी हुई है, तो वहीं पर 6 सीटें ऐसी हैं जिस पर कांग्रेस अपनी दावेदारी ठोक रही है। लेकिन जम्मू को लेकर के, क्योंकि जम्मू की सीटें भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है और उन 43 सीटों पर आखिरकार कांग्रेस किस तरीके से प्रदर्शन करती है यह सब कुछ डिपेंड करेगा अगर कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को बनानी है। उनके द्वारा यह भी कहा गया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन वो मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन वो यहां इस बात से बिल्कुल भी नहीं चुके। ये बात वो याद कराते गए कि राहुल गांधी के द्वारा या उनकी पार्टी के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा उतना प्रचार प्रसार वहां पर नहीं किया गया जम्मू में जितना कि उन्हें करना चाहिए था। हालांकि कश्मीर को लेकर के वो जरूर मानते हैं कि यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना दबदबा कायम रखने में कामयाब होगी, लेकिन उन्हें जम्मू को लेकर के कहीं ना कहीं अभी थोड़ी और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, उतना दबदबा जम्मू रीजन में उनका नजर नहीं आता है जितना कि कश्मीर रीजन में नजर आता है। अब अगर हम 2014 की बात तो 2014 में जिन 15 सीटों पर, यानी कि आज कश्मीर में जिन 15 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उनकी स्थिति यह थी कि यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हिस्से 7 सीटें गई थी और वहीं पीडीपी के हिस्से 4 और नेशनल, इसके अलावा कांग्रेस के हिस्से 2 सीट, बीजेपी के हिस्से 1 सीट और निर्दलीय के हिस्से 1 सीट गई थी। अब ऐसे में चाहत यह बरकरार रखी जा रही है कि जिन 11 सीटों पर जम्मू में चुनाव हो रहे हैं वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस तो भले ही अपना दबदबा नहीं दिखा पाएगी, लेकिन यह उम्मीद की जा रही थी कांग्रेस से कि कांग्रेस अपना दबदबा वहां पर कायम करे, वहां अपना दबदबा दिखाए। यही वजह है कि जब उनसे इस तरीके से सवाल पूछा गया उमर अब्दुल्ला से, क्योंकि उन्होंने ये बयान पहले भी दिया था और इसी बात का जिक्र जब उनसे किया गया कि आपने कहा था कि कांग्रेस कश्मीर में क्या करती है मायने नहीं रखता है, वो जम्मू में क्या करते हैं मायने रखता है, और इस दौरान जो खुल करके उनकी गलत थी वो सामने देखने को मिली। मीनाक्षी अब लगातार ग्राउंड जीरो से एक एक तस्वीर बता रही हैं, चुनावी गणित समझा रहे हैं, लेकिन इसी बीच दर्शकों को बता दें कि जम्मू कश्मीर में आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। इसी को देखने के लिए 16 देशों के राजनयिक जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। ऐसे में वो अलग अलग पोलिंग बूथ पर जा रहे हैं, वहां पर जायजा ले रहे हैं, क्योंकि 10 साल बाद ये चुनाव हो रहे हैं घाटी में। आप देखिए कैसे, ये बड़गाम की बात करें या अलग अलग पोलिंग बूथ की बात करें, यहाँ पर 16 देशों के राजनयिक पहुंच रहे हैं, यहाँ पर देखिए जायजा ले रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसी चुनावी प्रक्रिया है, क्योंकि 10 साल बाद चुनाव होना एक बहुत बड़ी बात है, एक ये महत्वपूर्ण बात है, और इसी को देखने के लिए 16 देशों के राजनयिक पहुंचे हैं। 26 सीटों पर यह मतदान हो रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए गए बड़े फैसले की।
हाल ही के दिनों में कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां खाने में थूक मिलाकर परोसी जा रही थी या यूरिन मिलाकर जूस परोसा जा रहा था और उसको लेकर प्रश्न खड़े हो रहे थे। तिरुपति विवाद भी जब सामने आया उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बड़ा फैसला लेते हुए ये कह दिया उन्होंने कि अब जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो होटल्स हैं, उन्हें सीसीटीवी इंस्टॉल करना होगा और पूरी तरह से हर चीज की जानकारी देनी होगी कि दुकानदार कौन है, प्रोपराइटर कौन है, कितने लोगों को एम्प्लॉय किया गया है, उनका वेरिफिकेशन कराना होगा। यानी योगी आदित्यनाथ ने बता दिया है कि उत्तर प्रदेश में ऊंची दुकान और अशुद्ध पकवान नहीं चलेंगे। रिपोर्ट देखिए। योगी का फरमान जारी, विपक्ष की सियासत भारी। ढाबा रेस्टोरेंट को फरमान, विपक्ष क्यों परेशान? दुकानों पर नेम प्लेट जरूरी, फैसले का विरोध सियासी मजबूरी। सीएम योगी ने दुकानों में नेम प्लेट लगाने का आदेश क्या दिया? हमेशा की तरह इस फैसले पर भी विपक्ष को परेशानी होने लगी। जनता के हित के लिए फैसले पर भी सवाल खड़े करने में देरी नहीं की गई। कांग्रेस से लेकर सपा तक सभी को फैसला नागवार लगने लगा। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और योगी जी सुप्रीम कोर्ट की भी कोई इज्जत नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट पहले ही डायरेक्शन दे चुका है, लेकिन इसके बावजूद अगर योगी जी इस तरीके का कदम उठा रहे हैं, वो सिर्फ एक समुदाय को परेशान करने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के फैसले पर कांग्रेस सियासत कर रही है तो सपा कहां पीछे रहने वाली? सपा ने जनता के हक में निर्णय को तुगलकी करार दे दिया और ये भूल गई कि साफ सफाई ना किसी मजहब की दरकार है, ना ही व्यक्ति विशेष की जिम्मेवारी, बल्कि ये मानवीय सभ्यता की बुनियादी शर्त है। दलित, पिछड़े और जो अल्पसंख्यक हैं, उनकी दुकानों को बंद करवाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये तुगलकी आदेश जारी किया है। अब पुलिस पूरे प्रदेश में सारे दुकानदारों से वसूली करने का काम करेगी, उन पर फर्जी मुकदमे लगाएगी और व्यापारियों का शोषण होगा,